हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फ़िश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज दोस्तों हमारी पोल्ट्री को 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिन के मैनेजमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो आज टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, मतलब सही है, मौसम इतना ख़राब मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चारों तरफ से जो पर्दे हैं दोस्तों वो मैंने ऊपर करवा दिए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऊपर जो है पर्दे हो रखे हैं, देखिए, और अमोनिया बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। अब बात करते हैं मेडिसिन जो दोस्तों जो हम लोग चला रहे हैं वही कंटिन्यूसली मेडिसिन चला रहे हैं। बस एक मेडिसिन मैंने कम करवा दी है, वो है वी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन। वी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन दोस्तों इसलिए कम करवाई क्योंकि लूज़ मोशन जैसे थोड़ी सी शिकायत मिल रही थी, तो उसकी वजह से मैंने वी कॉम्प्लेक्स कम करवा दिया। और सारी दवाई ई के आर सी चल रही है और नेफ्रोटेक चल रहा है, लिफ 52 चल रहा है और स्ट्रेस वेल भी चल रहा है, यू के आर सी चल रहा है और रिस्ट्रिक्ट एल, आज मैं इसको रिस्ट्रिक्ट एल को चलवाऊंगा दोस्तों। तो कल हमने वेट कैलकुलेट किया था, तो वेट जो है सभी बच्चों का आधा किलो से ऊपर है दोस्तों, ठीक है, लगभग 530 ग्राम या 540 ग्राम लगभग सभी का एवरेज वेट जो है कल निकला था, कल 17वें दिन पे, आज 18वां दिन है दोस्तों, आज इनको 18 दिन पूरे हो चुके हैं। और हम लोग जैसा आपको पता है अपना दाना ही हम लोग खिला रहे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 21वें 22वें दिन में आपको इनका वेट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शायद 22 या 23वें दिन ये 1 किलो के हो जाएंगे जहाँ तक है, ठीक है। उमस की वजह से बर्ड जो है थोड़ा सा दाना कम पकड़ता है, बर्ड सबसे ज़्यादा दाना पकड़ता है नाइट के टाइम पे, और ज़्यादा उमस नहीं होगी तो वो बर्ड अच्छी तरीके से दाना दोस्तों खा लेगा। और फीड की अगर बात करें तो कुछ फीड सस्ता हुआ है, थोड़ी सी नॉलेज में आया है मेरी, है ना, तो कितना सस्ता हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कितना सस्ता हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत से भाई लोग हमारे कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता, दोस्तों मैं अपना नंबर डाल देता हूँ उसमें, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और आई होप आपका मैनेजमेंट सही होगा, आपका लिटर सूखा होना चाहिए। दूसरी बात, बर्ड को दाना टूट कर नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी, ये बात ना भूलें। और रात में ना जो लाइट होती है वो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि बर्ड अच्छी तरीके से दाना खा सके। और अगर बीट में रेडनेस की शिकायत आए तो एक मेडिसिन है कैम्प्रोलियम, उसे चलाइएगा, कॉक्सिडियोसिस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, आपके वैक्सीन लग चुकी होगी, जो भी आपके फार्म में बर्ड होगा, गोम्बरों की वैक्सीन 15वें दिन लगाते हैं, जैसा कि मैं आपको अपडेट कराता रहता हूं दोस्तों, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो आप हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है बर्ड के, इस बर्ड में दोस्तों अभी तक की जो हमारी मॉर्टेलिटी अगर मैं आपको बता दूं तो अभी तक 34 मॉर्टेलिटी हमारी हो चुकी है, 18वें दिन दोस्तों आज हो चुका है। और कुछ मॉर्टेलिटी दोस्तों थोड़ा सा दाना जो है वो थोड़ा सा मोटा पिसने की वजह से, इनकी जो ट्रैकिया है उसके अंदर मक्का फंस गई थी, उसकी वजह से भी थोड़ी मॉर्टेलिटी एक आध दो बर्ड गया था। तो फिर मैंने क्या हुआ कि थोड़ा सा महीन दाना फिर मैंने पीसा मक्के का, उसके बाद अब इनके सही तरीके से ट्रैकिया में नहीं फंसती है वो मक्का। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपना फीड बना रहे हैं तो दाना ज़्यादा मोटा ना करें, ठीक है। और मैंने सुना है सोया भी शायद 15 या 16 रुपये सस्ती हुई है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, बनाते हैं हम लोग अगली बार प्री स्टार्टर, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे कि सोया का अगर रेट सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, थैंक यू।